why I'm saying again and again to the people who are already into the journey, they know. जो हमने अभी पीछे मैम कार्ड्स पढ़े हैं ये मोस्ट एनिग्मेटिक कार्ड्स लगते रहे हैं मुझे. दे आर एग्जैक्टली द ये है भी. मोस्ट कार्ड स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो द मोमेंट आई थिंक जस्टिस ऑनवर्ड्स. वो इतने कॉम्प्लिकेटेड इतने ज्यादा मतलब अलग अलग तरह से डिफाइंड है. आई थिंक वी नीड टू लिसन टू योर वीडियोस अगेन एंड अगेन. इट इज एब्सोल्युटली होलिस्टिक. मैं इतना भटकी हुई हूँ. भटकी क्या, मुझे तो मैम कभी प्रोफेशनल रीडिंग नहीं करनी थी, पर मुझे ना नॉलेज की बहुत चाहत है. तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से आई प्रोबेबली अपने साथ वाले दुखी होते होंगे, लेकिन मैं कहती हूँ कि यू आर द अल्टीमेट नॉलेजेबल पर्सन. क्योंकि आपका जो पकड़ है टॉटेरो की ना, वो बहुत यूनिक है. मैंने कम से कम मैडम 5 बार तो पढ़ाई होगा, लेकिन ट्रिविया में फंस के रह जाते हैं. वही यस और नो जो है ना, मुझे अब तक समझ आने लग गया मैम कि यस और नो मेजर आर्कना में तो कोई एब्सोल्यूट है नहीं. अब वो सिचुएशनल सर्कमस्टेंशियल है. जैसे आपने फिर भी ये बात बहुत अच्छी स्पष्ट की थी आज टावर की बिगिनिंग में कि फाइनेंशियल में भी द वे आई नरेटेड इट गिव्स द सिचुएशन आपकी उस समय रीडिंग वाली, बट आगे क्या और क्यों हुई है ये भी देती है वो कि भाई आपकी सिचुएशन क्यों आई है, और ये भी देती है कि आपके साथ अराउंड क्या होगा, पीपल विल डू दिस वे वॉट एवर. लेकिन डोंट लूज होप एंड यू गो अहेड. तो ये जो कार्ड्स 3-4 और इवन मून इज अ वेरी मिस्टिक कार्ड. ग्रैंड योग और ये पढ़ा के खत्म हो जाता है और वही वही ट्रिविया में. सो मैम इसमें जैसे लार्ज बल्क ऑफ इमोशन पूरे में ब्लू ब्लू रिवर भी बहुत वॉल्यूमिनस है. तो वो अगेन दैट मींस आपने बता ही दिया कि इट इज इमोशन रिलेटेड. ऑन द होल कार्ड इज बेस्ड ऑन इमोशन बेसिकली. या बहुत ज्यादा बिकॉज आपने बहुत बहुत खूबसूरत पढ़ा है. आज के तीनों कार्ड्स बहुत सुंदर. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू.